राजा कौन ऊपर प्रभाव कर रहे हैं? वर्धन। क्या नाम प्रभाव कर रहे हैं? वर्धन। समझ रहे हो? पहली राजधानी मुझसे कौन सी हुई? थानेश्वर। लास्ट कौन सी हुई? कन्नौज। तीन ही शासक आएंगे इसके अंदर। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे। कितने पुत्र हैं? दो। एक का नाम क्या है? राज्यवर्धन। क्या नाम है एक का? राज्यवर्धन। दूसरे का नाम क्या है? हर्षवर्धन। समझ रहे हो? इनके अलावा एक पुत्री थी, इसकी पुत्री का नाम क्या था? राज्यश्री। क्या थी पुत्री? राज्यश्री। राजस्थान में एक एरिया आएगा, नाम क्या था? मालवा। क्या नाम था बच्चों? मालवा। ठीक है। कन्नौज का एक शासक आएगा, नाम क्या था? ग्रह वर्मा। क्या नाम उसका? ग्रह वर्मा। राज्यश्री की शादी किससे हुई? ग्रह वर्मा से। तो ग्रह वर्मा किसका जमाई हुआ? प्रभाकर वर्धन का। ठीक है ना। इसके दो पुत्र हैं, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। अब मालवा का एक शासक था, नाम था देवगुप्त। क्या नाम था भाई? देवगुप्त। देवगुप्त का एक मित्र था, नाम था शशांक। क्या नाम था भाई? शशांक। ठीक है ना। तीन तो याद रखना और तीन याद रखने पड़ेंगे। राजा कौन है पहला? प्रभाकर वर्धन। वंश कौन सा है? वर्धन वंश। पहली राजधानी थानेश्वर, बाद की कन्नौज। दो बेटे हैं, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। बेटी कितनी है? एक। नाम क्या है? राज्यश्री। मालवा का शासक कौन है इस समय? देवगुप्त। इसका मित्र कौन है? शशांक। कन्नौज का शासक कौन है? ग्रह वर्मा। अब एक वर्ड आएगा नरेश। कई राजाओं के आगे भी नरेश लगता है, कईयों के पीछे नरेश लगता है। ठीक है ना। नरेश का मतलब समझ जाना, वो इकलौता ऐसा इंसान हुआ है उस वंश का जिसने साम्राज्य बढ़ाया। क्या बढ़ाया है? साम्राज्य। चाहे नरेश खारवाल हो, नरेश ग्रहवर्मा हो, नरेश नंदीवर्धन हो। ठीक है ना। यानी उस वंश का शक्तिशाली इकलौता राजा माना गया जिसने उस वंश को वास्तविकता में लेके आया, स्थापित किया शक्तिशाली। तो इस ग्रहवर्मा के साथ कौन सा वर्ड लगा था? नरेश। तो समझ जाना कन्नौज का इकलौता शासक हुआ है। दोनों ही मतलब, हाँ इकलौता ही मतलब होता है। आगे देखो नेक्स्ट क्या है। राज्यश्री का विवाह किससे हो गया? ग्रहवर्मा से। अब ये बात इसको खटकी हुई। क्यों? क्योंकि प्रभाकर वर्धन ने ये सोचा था कि हिंदू थे ये। क्या थे भाई? हिंदू। कई बार कहते हैं कि अंतिम और पहला हिंदी सम्राट कौन हुआ? हर्षवर्धन। दो नाम आएंगे यहां पे, एक तो नाम आएगा सम्राट और एक नाम आएगा शासक। दोनों फर्क है बच्चों। सम्राट तो वो है जो पूरे साम्राज्य के ऊपर अकेला मानता के साथ बैठेगा। तो सम्राट तो पहला कौन कहलाया है? हर्षवर्धन। शासक बच्चों वो है जो छोटे से एरिया को जीतेगा, छोटे क्षेत्र का होता है। शासक के बराबर ही एक पद आएगा आगे जाके, नाम क्या था उसका? नवाब। ठीक है ना। अगर शासक पूछे तो कौन हुआ है? हेमचंद्र या हेमू। उपाधि मिली थी इसको कौन सी? विक्रमादित्य। ठीक है ना। वैसी क्वेश्चन है यहां से। सम्राट होता है जो मानता के साथ बैठेगा। तो समझ जाना हर्षवर्धन सम्राट है। तो इसे उपाधि मिली थी किसकी? शिलादित्य की। उपाधि मिली इसे किसकी? विक्रमादित्य की। समझ रहे हो? विक्रमादित्य उपाधि कहां से निकल गया? ये कौन सा संवत था भाई? विक्रम संवत। किसके टाइम में चला था ये? शकों के समय। अगला संवत कौन सा आया था? शक। ये किसने चलाया था? कनिष्क ने। कब चलाया? 78वीं। हमने कौन सा अपना रखा है? ये वाला। ठीक है ना। इसके बाद कल मैंने चंद्रगुप्त प्रथम का करवाया था गुप्त संवत। कौन सा संवत था? गुप्त संवत। ये तो चला 58वीं में, ये चला 78वीं में और ये चला है 319 ईस्वी में। ठीक है ना। तीनों को बॉक्स में लिखो पहले फटाफट। दो यान थे, हीनयान और महायान। महायान का मतलब क्या है? यानी विद्वानों ने यह कहा कि जितने भी राजा है वो प्रजा के लिए जिएंगे, प्रजा के लिए काम करेंगे। महायान का अर्थ है कि वो इंसान है जो समाज के लिए अच्छा काम करेगा, खुद के लिए देखेगा, वो क्या कहलाएगा? महायान। हीनयान कौन है? जो खुद के लिए देखेगा। ठीक है ना। अगर कोई पूछे ने आगे जाके बौद्ध धर्म अपना लिया, कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध। तो कौन सी शाखा का शिष्य है ये? महायान। सारे राज्य महायान के हो, कनिष्क भी हो, ये भी हो, अशोक भी हो। अशोक के टाइम की बात करें तो दो चीज आएगी, धम्म और भैरी।
समझ रहे क्या था, यानी युद्धों को छोड़ किसको अपना लिया, धर्मों को, ठीक है ना, क्योंकि सबके साथ धर्म चलेंगे, अच्छे से काम करेंगे। अब देखो इधर राज्यश्री का विवाह किससे हो गया, कन्नौज के शासक कौन था, गृह वर्मा। ये बात किसको खटक गई, देवगुप्त को, क्यों, क्योंकि प्रभाकर वर्धन ने सोचा कि अपना जो साम्राज्य है थानेश्वर से कहां तक बढ़ाएंगे हमें, कन्नौज तक, तभी शादी की थी, समझ रहे हो। अब मालवा के शासक देवगुप्त ने किसकी हत्या कर दी भाई, गृह वर्मा ने। अब इनकी बेटी विधवा होगी, ये शोक किसको लग गया, प्रभाकर वर्धन, इसी शोक के कारण किसकी मृत्यु होगी थी, प्रभाकर की। अब इसकी जगह गद्दी पे बैठे हैं कौन, पुत्र कितने हैं, दो, बड़ा कौन है, राज्यवर्धन, छोटा कौन है, हर्ष। बड़े पुत्र क्या कहेंगे, उत्तराधिकारी, क्या कहेंगे, उत्तराधिकारी। अब इसने बिना सोचे समझे ये किसको मारने चल पड़ा, देवगुप्त को, ठीक है ना, किसको मारने चल पड़ा भी, देवगुप्त, क्योंकि इसकी बहन के हस्बैंड को मारा इसने। अब इसने जाते किसकी हत्या कर दी भाई, देवगुप्त की, किसने की है, राज्यवर्धन। अब राज्यवर्धन को किसने मार दिया, इसके मित्र है सुशांत, ठीक है ना। दोबारा देखो क्या है, राज्यश्री का पति कौन हुआ, गृह वर्मा, गृह वर्मा को किसने मारा, देवगुप्त, देवगुप्त को किसने मारा, राज्यवर्धन, राज्यवर्धन को किसने मारा, सुशांत, सुशांत किसका मित्र था, देवगुप्त, ठीक है ना, समझ गया जी, समझ गया। अब क्या हुआ, गृह वर्मा को मारते ही सुशांत ने अपना अधिकार कहां स्थापित कर लिया था, ठीक है ना, क्योंकि राजधानी को बढ़ा रहे थे। अब क्या किया कि शशांक कन्नौज को छोड़ के सीधा चला गया था बंगाल, कहां चला गया था भाई, बंगाल। मैंने कहा ना आगे जाके देखना जितने भी राज्य हैं हर महीने में बंगाल जरूर जाया करते, कहां जाया करते, बंगाल, क्यों, क्योंकि तंत्र मंत्र विद्या ज्यादा कहां थी, बंगाल के अंदर, पूजा करने जाया करते सारे के सारे, कलमा सीखने, हाँ। ये चला गया शशांक, कहां चला गया था, बंगाल। अब बच गया कौन भाई, हर्षवर्धन, ठीक है ना। हर्षवर्धन पहले तो 606 ईस्वी में कहां बैठा, थानेश्वर, पहले तो इसने कहा था कि राजा बनूंगा, राजा बनने के बाद फिर चल पड़ा ये। अब रास्ते में क्या आ रही है, कन्नौज, मारना इसको शशांक को है, फिर किसको जीत लिया भाई, कन्नौज को। तो दूसरी राजधानी कौन सी हुई इनकी, कन्नौज, किसने स्थापित की भाई, हर्षवर्धन, ठीक है ना। देखो पहले शशांक, अब ये बढ़ाएगा साम्राज्य, हर्षवर्धन, कौन सा वर्धन है अभी, हर्ष, इसका एक राज दरबारी आएगा, नाम है वानवट, क्या नाम आएगा, वानवट, फेमस है बहुत ही, देखना अभी। हर्षवर्धन गद्दी पे कब बैठा भाई, 606 में, वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक ये हुआ है, कब बैठा ये, 606 में, पहले कौन से धर्म को मानना करता, हिंदू धर्म को, बाद में कौन से धर्म को मानने लग गया, बौद्ध को, कौन सा बौद्ध, महायान, देखते चलो साथ साथ, कौन सा बौद्ध, महायान को मानना करता, यानी दूसरों के लिए जीना है, ठीक है ना, हर्षवर्धन। नेक्स्ट इसका राज कवि, इसका राज कवि वानवट हुआ, इसका राज कवि कौन था भाई, वानवट, बहुत ही फेमस इंसान है। नेक्स्ट हर्ष की राजधानी है ना, पहले हिंदू है ना, बाद में बौद्ध का उपासक बन गया था, एक कविज नाम का बहुत दार्शनिक था, इसको यहाँ पे बुलाने वाला एक इंसान था हवेन स्वान, इसका सही धर्म क्या था, वैसे तो हिंदू धर्म था ना, इसकी राजधानी थी भी थानेश्वर, पहले पूछे तो कौन सी राजधानी थी, थानेश्वर। आगे देखो हर्ष ने अपनी राजधानी, हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज स्थापित कर ली, कहां स्थापित कर ली भाई, कन्नौज। लेकिन हर्ष की जब मृत्यु हुई तो हर्ष का टीला काम आया गया था थानेश्वर के, ठीक है ना, पता होना चाहिए। अपनी राजधानी कहां स्थापित कर ली बाद में इसने भाई, कन्नौज।
कनौज की नदी लिख लेना भी, गोमती नदी किनारे बसी कनौज। कौन सी नदी है? गोमती, यूपी के अंदर है भाई, ठीक है ना। आगे देखो नेक्स्ट, राजकवि कौन हुआ इसका? वाण भट्ट। वाण भट्ट की एक पुस्तक है, नाम क्या है? कादंबरी। वाण भट्ट की पुस्तक कौन सी हुई? कादंबरी, ठीक है ना। कौन सी पुस्तक थी भाई? कादंबरी। दूसरी पुस्तक पूछे तो हरश्चरित। इस पुस्तक से हमें पता चला कि हर्षवर्धन का साम्राज्य कैसा था, ठीक है ना। दो पुस्तकें फेमस थी, कादंबरी और हरश्चरित, ठीक है ना बच्चों। जब भी राजकवि का नाम आए, बॉक्स बना लो 5-6 लाइनों का, राजकवि हो, राजवैद्य हो, विद्वान हो, फेमस व्यक्ति हो, सबसे पहले नाम आएगा सेल्यूकस। सेल्यूकस किसके दरबार में था? सिकंदर, सिकंदर। दूसरा नाम आएगा चाणक्य। किसके साथ रहा ये? चंद्रगुप्त। तीसरा आएगा उपगुप्त, अशोक। उपगुप्त किसके साथ चलेगा? अशोक, ठीक है ना। आगे देखो नेक्स्ट, चरक, कनिष्क। विद्वान थे भाई ये, बहुत ही बड़े बड़े। हरिशेन, समुद्रगुप्त, वाणभट्ट, वाणभट्ट, हर्षवर्धन, हाँ उपगुप्त, अशोक के काल में, सेल्यूकस, चाणक्य, उपगुप्त, चरक, हरिशेन और वाणभट्ट, याद रखना। और आगे जाके अगर कोई पूछे तो आगे एक और विद्वान आएगा, अकबर के काल में नाम क्या था? बिरबल, यानी महेश दास। देखो वाणभट्ट की दो पुस्तक है, कादंबरी और हरश्चरित। अब हरश्चरित में क्या कह दिया कि देखो हर्षवर्धन, हर्षवर्धन हर 5 साल बाद एक मोक्ष परिषद करता था। क्या था? मोक्ष परिषद। हर्षवर्धन हर 5 साल बाद मोक्ष परिषद का गठन करता था, समझ रहे हो? मेला ही था एक प्रकार का, दान दिया करता, तो मेला में दान देने की परंपरा किसे चलाई है? हर्ष ने, हर 5 साल बाद, ठीक है ना। जब छठा संस्करण हुआ, छठे संस्करण में एक चीनी यात्री आया, नाम क्या था? हवेन स्वान, ठीक है ना। फिर छठा संस्करण देखो, 606 में गद्दी पे बैठा, 5 साल का एक संस्करण है, छठा में कितने साल हो गए? 30 साल, 30, तो कितने हो गए? 636, 636-37 में कौन आया भाई? हवेन स्वान। लिखो आगे, हर्षवर्धन के काल में छठे संस्करण के दौरान चीनी यात्री, नाम क्या था भी? हवेन स्वान। चीनी यात्री हवेन स्वान भारत आया भाई, समझ रहे हो? कौन आया भाई? हवेन स्वान। बॉक्स बनाओ एक छोटा सा, हवेन स्वान, तीर का निशान देके लिखो। इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसे? शाक्य मुनि। सेकंड क्या कहते हैं? शाक्य मुनि। दो नाम याद रखना इसके, जैसे चाणक्य के 2-3 नाम थे, वैसे इसके 2-3 नाम रखे गए। यात्रियों का राजकुमार और शाक्य मुनि क्या? हवेन स्वान, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो, हवेन स्वान
अगेन स्वान नालंदा विश्वविद्यालय कौन सा विश्वविद्यालय भी नालंदा किसने बनवाया था ये कुमार गुप्त ने कल बताया था मैंने किसने बनवाया था कुमार गुप्त हवेन स्वांग नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्ध धर्म व चिकित्सा की शिक्षा लेने आया था ठीक है ना चाइना के अंदर बौद्ध धर्म को फैलाने वाला इंसान ही कौन था हवेन स्वांग इसी से प्रभावित होकर हर्षवर्धन ने कौन सा धर्म अपना लिया था बौद्ध धर्म ठीक है ना कि उसने देखा कि बाहर से लोग आ रहे हैं अब नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए फेमस था उस समय बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए चिकित्सा की शिक्षा होती थी हमें क्या दी जाती थी चिकित्सा आयुर्वेद ठीक है ना और एक पुस्तक पढ़ाई जाया करती यहाँ पे मैंने बताया ना चरक चरक की पुस्तक कौन सी थी चरक संहिता कौन सी पुस्तक पढ़ाई जाया करती चरक संहिता और कल चंद्रगुप्त द्वितीय काल में कितने रत्न थे भाई नौ कितने याद रखने तुम्हें चार या तीन चार बताए एक नाम कौन आएगा अगर इतिहास की बात करें भारत में सबसे पुराना ओनली भारत में सबसे पुराना शिक्षा केंद्र कौन सा भाई संसार में बात करें तो कौन सा था तक्षशिला के पहले आचार्य कौन हुए थे चाणक्य ठीक है ना चाणक्य के दूसरे नाम पूछ लेते कई बार क्या नाम है विष्णुगुप्त एक और नाम पूछे तो कौटिल्य अलग अलग भाषाओं में नाम मिलते हैं इसके ठीक है ना चाणक्य चाणक्य मतलब क्या है बुद्धिशाली इंसान विष्णुगुप्त का मतलब क्या है जो जिसको विष्णु के समान संज्ञा दी गई हो कौटिल्य कौटिल्य क्या है समाज के अंदर जो अपनी बुद्धि विवेचना अलग ही प्रयोग करे उसका अर्थ होता है कौटिल्य ठीक है ना आगे देखो नेक्स्ट अवेन स्वांग का भी एक अलग नाम है अभी मैंने बताया ना क्या नाम दिया शाक्य मुनि क्या होता है शाक्य मुनि का अर्थ क्या होता है तो रहस्य वाली बातें जाने ठीक है ना आगे देखो हर्ष हर्ष खुद भी एक साहित्य का नेक्स्ट देखो हर्षवर्धन ने हर्षवर्धन ने रत्नावली हाँ हर्षवर्धन ने खुद ने लिखी थी रत्नावली प्रियदर्शिका वे नागानंद हर्षवर्धन ने रत्नावली प्रियदर्शिका वे नागानंद नागानंद रचना की ठीक है क्या हो गया इसमें हाँ था नागानंद तो इस काल में कितनी किताबें आ गई भाई चार पांच आ गई है तीन तो ये हो गई है वान भट्ट की कौन कौन सी थी हर्षचरित वान भट्ट ने कौन सी लिखी थी हर्षचरित दूसरी कौन सी है कादंबरी मेघदूत के लेखक कौन है मेघदूत के लेखक हर्षवर्धन का दो ही शशांक वाला और एक पुलकेशी थे द्वितीय दो युद्ध हुए इसके देखो हर्षवर्धन वह पुलकेशी द्वितीय ठीक है ना साउथ का राजा था ये हर्षवर्धन में पुलकेशी द्वितीय के बीच नर्मदा नदी का युद्ध हुआ भी के बीच है नर्मदा नदी के तट पर क्या हुआ एक युद्ध युद्ध हुआ ठीक है ना इस युद्ध में हर्ष की पराजय हुई इस युद्ध में हर्ष की हार हुई समझ रहे बात इसकी आर हुई हर्ष की आगे देखो 647 में हर्ष की मृत्यु हो 647 में हर्ष की मृत्यु हुई ठीक है ना
और इसका टीला पूछे तो कहाँ भी हर्ष का टीला थानेश्वर हर्ष का टीला कहाँ है थानेश्वर ठीक है ना। कई बार एक क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध के जो दांत थे ना दंत उन दंतों को जीत के कौन ले गया था हर्ष। अगली लाइन लिख देना महात्मा बुद्ध के दंत दंतों को अपने साम्राज्य में हर्ष ने स्थापित किया था स्थापित किया। तो थी बहुत संगीति गाँव ही थी कुंडलवन किसके काल में कनिष्क ठीक है ना वो ऐसे लेके आया था कौन राजा हर्ष। जैसे वंशों का उद्गम कहां चला गया दक्षिण भारत में कहां चला गया दक्षिण भारत ठीक है ना। दक्षिण भारत में फेमस वंश आए हैं एक तो आएंगे पल्लव कौन आएंगे भाई पल्लव और एक कौन आएंगे राष्ट्र कूट ठीक है ना। एक तो आएंगे पल्लव और एक कौन है राष्ट्रकूट राष्ट्रकूटों की राजधानी पूछे ठीक है ना। तो लिख देना कर्नाटक के पास क्या सोलापुर पल्लवों की राजधानी पूछे तो तमिलनाडु में कांचीपुरम ये पुरम वरम पुरम है वरम सारी की सारी कहाँ है तमिलनाडु के अंदर ठीक है ना। अगर तुमसे पूछे महाबलीपुरम महाबलीपुरम कहाँ है तमिलनाडु कांचीपुरम कहाँ है तमिलनाडु रंगपुरम कहाँ है तमिलनाडु ठीक है ना। इनसे कोई क्वेश्चन नहीं उठता। एक तो इनका पहला राजा पूछेंगे पल्लव वंश का पहला शासक अगर कोई पूछे तो नाम था सिंह विष्णु कौन था भाई सिंह विष्णु ठीक है ना। अंतिम शासक पूछे तो नाम क्या था अपराजित क्या नाम था अपराजित। पल्लव वंश के दो ही राजा याद रखना दो या तीन एक तो नाम आएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ठीक है नरसिंह वर्मन द्वितीय और एक नंदी वर्मन द्वितीय ठीक है ना। तीन ही शासक याद रखना और इस काल में लिखना भी कुछ नहीं देखना क्या है मैं लिखाऊंगा कैसे लिखना है। इस काल में फेमस मंदिर बने भाई एक तो एकादशम मंदिर कौन सा मंदिर है एकादशम नाम आता इसका रथों का मंदिर कौन सा मंदिर है भाई ये रथों का ठीक है ना। एक मंदिर यहां पे बनेगा कांची का कैलाश मंदिर कौन सा मंदिर आएगा कांची का कैलाश यही वो मंदिर था जिसके अंदर एक कला पंपी नाम क्या था द्रविड़ कौन सी कला उठ गया यहां से द्रविड़ कला का मतलब क्या है सकोर तो बेस होगा मंदिर का और ऊपर से मंदिर मिले हुए होंगे ठीक है ना। ऊपर से मंदिर क्या होंगे मिले हुए कई मंदिर ऐसे नहीं होते जैसे ये पिलर बना दिए कई ऐसे होते हैं ना ठीक है ना कई ऐसे होते हैं सीधे खड़े खड़े बना दिए समझ रहे बात। ये तो है वेसर कला और ये है द्रविड़ कला ठीक है ना। दो एक वर्ड आएगा पंचायान यहाँ से कौन सा वर्ड आएगा पंचायान इन्होंने अपना साम्राज्य यही एक ऐसा वंश था जिसने अपना साम्राज्य मंदिरों के हिसाब से बढ़ाया इसके हिसाब से मंदिरों की कौन सा पंचायान छत बनाई है जिसके नीचे चार पिलर होंगे ठीक है ना बीच में उसकी मूर्ति लगाई जाएगी वो पंचायान हाँ छत बना जैसे छत बना दी चार पिलर तो बनेंगे छत के। उसने ही एक मंदिर बनवाया मुक्तेश्वर वही वर वरम पुरम सारी सारी तमिलनाडु में ठीक है ना मुक्तेश्वर और बैकुंठ फेमस मंदिर है भाई। और इनके अलावा राष्ट्रकूटों का नाम आए तो मैंने बताया था ना कि सात वाहनों ने गुफाएं बनवाई थी अजंता की और कौन सी थी अलोरा इन दोनों गुफाओं में मंदिर बनवाए हुए किसने बनवाए थे राष्ट्रकूटों ने कुल मंदिर बनवाए इन्होंने 34 कितने मंदिर बनवाए थे 34 ठीक है ना। इन 34 मंदिरों में एक से लेकर 12 तक तो है बौद्ध के मंदिर
इसकी है भाई बौद्ध के, कई किताबें 32 दिखाएगी। 13 से 29 किसकी है, हिंदू मंदिर और बाकी जैन मंदिर, ठीक है ना। यानी सातवाहनों ने जो गुफा बनवाई अजंता और अलोरा, कहां पे ये महाराष्ट्र में, स्थान पूछे तो औरंगाबाद, इन गुफाओं मंदिर किसने बनवाए थे, राष्ट्रकूट, ठीक है ना। तीन चार मंदिर तो ये, एक मंदिर और याद रखना, नाम है मदुरई, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर आएगा, फेमस अभी। एकमात्र भारत का सबसे बड़ा पार्वती मंदिर कौन सा है, मीनाक्षी, देखो बड़ा मंदिर।